वो कहते हैं कि फौज में मनुष्य में से मनुष्यता निकाल के पहले उसमें एक फौजी भरते हैं, फिर वापस उसे इंसान बनाते हैं। मुझे ये बात कभी समझ ही नहीं आई। फिर मैं एक फौजी से मिला, तब बात समझ आई कि फौजी मनुष्यों की श्रेणी में क्यों नहीं आते। देखिए, मनुष्य होने में और इंसान होने में बहुत फर्क है। थोड़ा विस्तार से समझाता हूं, इंसान हो गए तो समझ जाओगे। अपनी गाड़ी में बैठकर हॉर्न बजाता हुआ या किसी लाइन में लगा हुआ कोई हो, सबको भाड़ में भेज चिल्लाता हुआ या अपनी बारी को पहले बुलाता हुआ कोई हो, वो सब खुद के लिए रख दूसरों को नीचा दिखाता हुआ कोई, वो खुद की गलतियों पे भी दूसरों को दोषी ठहराता हुआ कोई, वो जिसका बस नहीं है खुद से खुद के खुद पर, वो है जो ये सोचता कि कर दिया एहसान उसने दे के थोड़ा आयकर, जो ना ही लेता कोई जोखिम ना ही जिम्मेदारियां, जो करता खुद के देश से अनजाने ही गद्दारियां। इस खोखले से जीव में ना गर्व ना ही सब्र है जानता ये सही गलत, पर खुद ता खुद की कब्र है मनुष्य वो और फीकी सी वो मनुष्यता। बहुत हुआ मनुष्यों का, थोड़ा फौजियों के बारे में भी दू बता। फौजी वो है जो मनुष्यता के चरम पे पहुंचता है, बन के फौजी बन के निडर वो इंसानियत को चुनता है। हो गलत चाहे जितना भी सुरीला, फौजी को बेसुरा ही लगे। वो सही चाहे जितना भी करकश, फौजी को हर ताल बजे। वो जो ये तन देकर भी थोड़ा सा वेतन पाते हैं, गर बहे लहू देश के गौरव में तो कह कहे लगाते हैं। चाहे हो कुकड़ी सी सर्दी और जमी बर्फ हो हाथों में, ना शिकन ना ही शिकायत करते, वो झंडा ऊंचा लहराते हैं। ये देश जिसकी मां और सारे जन परिवार हो, ऐसी जज्बे इंसानियत को हमारा नमन हर बार हो। हर फौजी लड़ता अंतर मन से है, फिर लड़ता वो दुश्मन से, और मनुष्य लड़ता मनुष्यता से है, क्यों लड़ता वो जीवन से। बनके मनुष्य इंसान बनो तो फिर मैं मन मौजी बन जाऊं, लेके परोपकार मन में मेरे है जी करता फौजी बन जाऊं, है जी करता फौजी बन जाऊं।